अनन्यतमा विमुक्त नगरी सालंकृता गंगया। आचार्य शंकर कैसा लिखते हैं, काशी धन्यतमा विमुक्ति नगरी, काशी विमुक्त नगरी है, ये धन्य है। अरे बाबा विश्वनाथ भी अगर काशी से दूर जाना पड़े तो सहन नहीं कर सकते। साधारण व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, अनंत कोटि जो ब्रह्मांड के नायक है, अरे भगवान विष्णु भी जिनकी नजर पड़ने से पैदा होते हैं, भगवान ने अपने दाहिने जांग पर वैसे ही ऐसे नजर डाली और वहां से विष्णु की उत्पत्ति हुई। अपनी जंघा के ऊपर भगवान विष्णु प्रकट हुए, जो विष्णु को भी प्रकट कर सकते हैं। विष्णु और शिव में कोई भेद है ही नहीं, लेकिन जो उनको भी प्रकट कर सकते हैं, वैसे जो विश्वनाथ हैं, जो महादेव हैं, वो भी काशी को छोड़कर जाने की बात आए तो विवल हो जाते हैं। घटना तो ऐसी हुई कि इक्ष्वाकु वंश में एक रिपुंजय नाम का राजा हुआ। ये जो रिपुंजय नाम का राजा था, ये रिपुंजय राजा उस वक्त हुआ ऐसा कि बहुत अकाल पड़ा और 60 साल तक बारिश नहीं, और 60 साल तक बारिश नहीं हुई, पूरी प्रजा मरने लगी, भयभीत हो गई, हर जगह पर अग्नि बरस रही है और कहीं बारिश नहीं है, पानी नहीं है, लोग अरे जंतु भी पानी के लिए लालायित हो रहे हैं। ऐसे में राजा हिमालय में गए और राजा ने जाकर तप किया। राजा के तप के कारण ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने कहा, वरम ब्रूहि क्या चाहते हो, मांग लो। अब राजा ने कहा, मेरी कोई कामना नहीं, आप प्रसन्न हो गए, आपने दर्शन दिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि अगर हो सके तो इस प्रजा के लिए बारिश चाहिए, इनको पानी चाहिए, बरसात चाहिए, बस ये कर सकते हैं तो करिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई अपेक्षा नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, हम तुमको वर देना चाहते हैं और हम ये कहते हैं कि तुम इस देश का, इस पृथ्वी का शासन अपने हाथ में लो और तुम राजा बन जाओ। रिपुंजय ने कहा, राजा बनने की क्या जरूरत है, मैं वैसे भी राजकुल में पैदा हुआ हूं, लेकिन जब प्रजा मर रही है तो राजा का कर्तव्य क्या, राजा बन के करूंगा क्या। बोले, नहीं, तुम जब राजा बनोगे और शासन की धुरा अपने हाथ में लोगे, ये तब छोड़कर जाओ और राजधानी में जाओ और राजा बन को, और तुम राजा अगर बनोगे, राजा अच्छे नहीं होते तो बारिश नहीं आती, राजा सुपात्र होता है तो बारिश आती है, कुपात्र राजा होता है तो अकाल पड़ता है। वैसे भी अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा व्यतिक्रमः, जहां अपूज्य लोगों की पूजा होती हो और पूज्य लोगों का अनादर होता हो तो वहां तीन दुर्घटनाएं घटती हैं। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा व्यतिक्रमः त्रिणी तत्र प्रजायन्ते दुर्भिक्षं मरणं भयः, या तो अकाल पड़ता है, या मरण होता है, या भय व्याप्त होता है। आज तो तीनों के तीनों हो रहे हैं, मन जाने क्या होगा, और एक दो साल से नहीं हो रहे हैं, बहुत सालों से ये चला आ रहा है। हालांकि कलयुग भी अपने एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है तो उसका भी कुछ तो प्रभाव है, लेकिन बात ये हुई कि राजा से कहा ब्रह्मा जी ने, आप जाओ और शासन हाथ में लो, तुम अगर राजा बनोगे तो देवता कृपा करके बारिश बरसाएंगे। राजा ने शर्त रखी, राजा ने कहा, मैं राजा बनने के लिए तैयार हूं, आप कहते हैं तो स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले, क्या शर्त है? बोले, ये देवता लोग जो पृथ्वी पर है उन सबको पृथ्वी छोड़नी पड़ेगी, ये अगर यहां से छोड़कर जाए तो ही मैं राजा बनना स्वीकार करूंगा। और ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, तथास्तु, देवता छोड़ देंगे। अब देवता यहां से छोड़कर जाए, अब वो राजा बने यहां के, उन्होंने तो स्वीकार कर लिया था। अब जब स्वीकार कर लिया तो राजा ने नगर ढंढेरा पिटवाया और हर जगह घोषणा कर दी गई, जितने भी देव है, जितने नाग है, जितने यक्ष है, जितने और लोग हैं, वो सब मनुष्यों को छोड़कर, बाकी योनियों को छोड़कर यहां से निकल जाए, उनके लिए ब्रह्मा जी ने अलग व्यवस्था की। अब सब यहां से छोड़कर जाने लगे, लेकिन भगवान विश्वनाथ यहां थे, इसका क्या होगा, काशी छोड़ने की बात आए तो विश्वनाथ तो बहुत चलायमान हो जाएंगे। अब बात ऐसी हुई कि उसी वक्त मंदर नाम का जो पर्वत है, मंदरा चलने प्रार्थना और भगवान विश्वनाथ का यानी भगवान महादेव का, शंकर का तप किया और उनकी भक्ति और तप से भगवान मंदराचल के ऊपर प्रसन्न हुए और मंदराचल से कहा, क्या चाहिए, कुछ वर मांगना चाहते हो तो मांग लो। अब मंदराचल ने कहा, प्रभु आप अगर मेरे पर प्रसन्न हुए हैं तो मेरी कामना है आप काशी को छोड़कर मेरे ऊपर आकर निवास करो।
भगवान ने कहा ये कैसे हो सकता है, काशी को मैं छोड़कर यहाँ कैसे आ सकता हूँ, काशी तो मेरा घर है, अगर तो मैं कैलाश में हूं या काशी में हूं, ये मेरे दो नित्य निवास स्थान है, कैलाश में नहीं हूं तो काशी में हूं, काशी में नहीं तो कैलाश में हूं। हालांकि भगवान सूक्ष्म रूप से पूरे विश्व में व्याप्त है, अरे केवल भगवान ही व्याप्त है और कुछ है ही नहीं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा स्थूल रूप से इस जगह काशी में मैं निवास करता हूं, मैं काशी कैसे छोड़ सकता हूं। लेकिन तभी ब्रह्मा जी वहां पर पहुंचे और ब्रह्मा जी ने कहा अगर मंदराचल इतनी प्रार्थना करते हैं तो प्रभु स्वीकार कर लीजिए। ब्रह्मा जी के सामने देखा और शिव जी ने कहा ब्रह्मा जी आप भी चाहते हैं मैं काशी छोड़ दूं? ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं प्रभु, लेकिन मैंने एक वर दे दिया है। बोले क्या वर दिया है? बोले मैंने इस रिपुंजय राजा को वर दे दिया है कि मैं सारे देवताओं को काशी से हटा लूंगा, और इसलिए सारे देवता तो हट गए, अब आपको तो कोई कह नहीं सकता, और यहाँ पर यहाँ आप इनके ऊपर प्रसन्न हुए, इन्होंने वर मांग लिया है, तो ऐसा करिए काशी छोड़ के आप मंदराचल आ जाइए। और ब्रह्मा जी के कहने पर मंदराचल की स्तुति पर भगवान शिव काशी में लिंग बन गए और लिंग स्वरूप को यहाँ पर स्थापित करके भगवान अपने देह सहित वहां पर मंदराचल पहुंचे और पार्वती के साथ मंदराचल के ऊपर विराजमान हुए। अब काशी को छोड़कर आए, इस रिपुंजय राजा का नाम दिवोदास राजा हुआ, ब्रह्मा जी का वर था तुम्हारा नाम दिवोदास होगा और उसका नाम दिवोदास हो गया, वो दिवोदास काशी का राजा बन गया, वो काशी का राजा बनके काशी में राज्य करने लगा। दिवोदास बहुत धार्मिक था, ब्राह्मणों का भक्त था, संतों का भक्त था, संतों की पूजा करता, ब्राह्मणों की पूजा करता, गायों की पूजा करता, धर्म की रक्षा करता, एक भी धर्म विरुद्ध का कार्य उसने जीवन में नहीं किया, कभी भी धर्म से वो चलायमान नहीं हुआ, अपनी नीति से चलायमान नहीं हुआ, स्वप्न में भी धर्म का उसने उल्लंघन नहीं किया, इतना सत्यवादी भी था, ऐसा राजा पृथ्वी पर। देखिए सुबह भी बात चली थी यहाँ तो असुर भी अच्छे अच्छे हुए हैं, तो फिर राजाओं की क्या बात करें। हमारे यहाँ वाल्मीकि ने रामायण में लिखा है कि हमारे यहाँ दशरथ का राज्य कैसा था, कामिवान कदर्यो वा नुसंस पुरुष क्वचित द्रष्टुम अशक्यम अयोध्यायाम न विद्वन च नास्तिक। ये अयोध्या कैसी थी, कामिवान कदर्यो वा, एक भी लंपट पुरुष नहीं था पूरे अयोध्या में, कामिवान कदर्यो वा, एक भी चोर नहीं था, नृशंस पुरुष क्वचित, एक भी अपराधी नहीं था, कोई नृशंस नहीं था, कामिवान कदर्यो वा नृशंस पुरुष क्वचित द्रष्टुम अशक्यम अयोध्यायाम, एक भी अयोध्या में ऐसा पुरुष देखना अशक्य था, न विद्वान न च नास्तिक, कोई अविद्वान यानी मूर्ख नहीं था और कोई नास्तिक नहीं था। अब आज की हालत की तो क्या बात करें, जितने बैठे हैं ऊपर सत्ता में बैठे हैं वही सब वज्रठोठ हैं, या तो भगवान का विरोध कर रहे हैं, संसद में बैठकर कह रहे हैं कि गाय प्राणी है, गाय पशु है, अब जिनको गाय पशु दिखती है सारे के सारे दो पैर वाले पशु है, गाय पशु कैसे हो सकती है, लेकिन ये गाय को पशु बोल रहे हैं, इनको ये भी तो भान नहीं है। जैसे कोई मदिरा पीकर बकवास करता हो ऐसे हमारे राजनेता बकवास कर रहे हैं और उनकी भी तो दुर्गति ही होगी। राजा बनने के बाद भी जो प्रजा के मर्म को और धर्म को नहीं जान सकता ऐसा राजा का राजा होना धिक्कार है। दिवोदास का शासन बहुत सुंदर था, सब लोग प्रसन्न थे, राज्य में समय समय पर बारिश होती थी, कोई भी छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति का अनादर नहीं करता था, बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते थे, साधु और ब्राह्मणों को कहीं भीख मांगने के लिए नहीं जाना पड़ता था, लोग आते और उनकी पूजा करके द्रव्य दे जाते थे, उनका बहुत मान और सम्मान था, नीची वर्ण के लोग ऊपरी वर्ण के लोगों की पूजा किया करते थे, स्त्रियां अपने पति के प्रति वफादार थी, अपने सास ससुर की सेवा करती थी, रोज पंचाग्नि की पूजा करती थी, ऐसी व्यवस्था थी। काशी में इतनी सुंदर शांति व्याप्त थी, एक भी व्यक्ति दुखी नहीं था। जो कहते हैं ना राम राज्य में जैसी व्यवस्था थी कि जहां तक बेटा मतलब बाप जीवित है तब तक बेटा मरता नहीं था, ऐसी व्यवस्था काशी में निर्माण होगी, जब बाप मरेगा तो ही उसके बाद बेटे का नंबर आएगा, जब तक बाप जीवित है तब तक बेटा नहीं मरेगा, ऐसी सुंदर व्यवस्था काशी में निर्माण हुई और एक दो पांच साल नहीं 80,000 वर्ष तक दिवोदास ने राज्य किया, वो काशी का राजा बन के रहे। अब बात ऐसी हुई कि यहाँ दिवोदास राजा बना, भगवान यहां से चले गए, लेकिन भगवान भोलेनाथ
वाराणसी के अधिपति बाबा विश्वनाथ अब काशी से दूर रहकर अपने आप के अंदर जलन महसूस करने लगे। विश्वनाथ ने कहा, मुझे काशी का विरह सहन नहीं होता है, मैं काशी से दूर नहीं रह सकता हूं, मैं यहां अपने आप को बहुत अच्छी तरह से महसूस नहीं कर रहा हूं, मुझे काशी चाहिए, मुझे वापस काशी जाना है, लेकिन काशी में मैं जा भी तो नहीं सकता, मैं वर दे के आया हूं, कैसे जाता? और जहां पर एक राजा हो वहां दो राजा नहीं हो सकते, या तो दिवोदास राजा हो सकते हैं या तो विश्वनाथ यहाँ के राजा हो सकते हैं, दो राजा तो हो नहीं सकते। और बाबा विश्वनाथ यहाँ आएंगे कैसे? उन्होंने तो उसके कहने पर ही तो काशी छोड़ी, ब्रह्मा जी ने तो वर दिया है, अब कैसे कर सकते हैं? भगवान शंकर को पार्वती ने देखा और पार्वती ने सोचा भगवान बहुत व्यथित है। भगवान से पूछा, आप इतने व्यथित क्यों हैं? भगवान ने कहा, तुम तो जानती हो एक बार दक्ष के यज्ञ में तुमने अपना शरीर छोड़ा तो तुम्हारे विरह में भी मैं विह्वल था, लेकिन तुमने दूसरा जन्म लेकर मुरा मेरा जो विह्वलता थी मेरी वो शांत की और मेरे ताप को तुमने ही तो शांत किया था, लेकिन अब काशी के विरह में और मेरी ये विरह कौन मेरा शांत कर सकता है? इसका तो कोई उपाय है ही नहीं, मैं जाऊं तो कहां जाऊं? भगवती ने भगवान शंकर के ऊपर चंदन का लेप किया, लेकिन जैसे ही चंदन का लेप किया भगवान शंकर के अंदर से जो विरह की अग्नि थी उसके कारण पूरा चंदन सूख गया। और चंदन जब सूखता है, भगवती ने कहा इतना चंदन जल्दी से कैसे सूख सकता है? महादेव ने कहा यही तो विरहाग्नि है, मैं काशी से दूर नहीं रह सकता। भगवान को कुछ कुंडल पहनाए, कुछ कंकड़ पहनाए, भगवान को मालाएं पहनाई, भगवान ने कहा ये जो कंकड़ कुंडल है ये तो मुझे विष के समान लगते हैं, ये तो सांप जैसे लगते हैं। और जैसे ही भगवान ने बोला सांप जैसे हैं, वो सांप बन गए और तब से वो सांप बनकर कहते हैं भगवान ने काशी के विरह में अपने आप को बहुत, जैसा कहते हैं कि अब अच्छी तरह से जहां रहता है व्यक्ति उस प्रकार से नहीं रह सके और भगवान को बहुत व्यथा हो। अब भगवान क्या करते? तब भगवान ने कहा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मुझे काशी वापस जाना है। भगवान ने अपनी योगिनियों को बुलाया और योगिनियों से कहा तुम जाओ और काशी में जाकर काशी में फिर से मेरे आने की कुछ व्यवस्था करो, तुम जाओ और दिवोदास के राज्य में कोई अधार्मिक कार्य हो, कोई उसका चूक हो तो उसको पकड़ो, अगर वो कोई अधार्मिक कार्य करता है, अनीति का कार्य करता है तो तुम उसको पकड़ लो। योगिनी ने कहा ठीक है, भगवान शंकर ने सूचना दी, लेकिन देखो अगर वो कोई धर्म का कार्य कर रहा है तो आप उसको कुछ भी तकलीफ नहीं दोगे, क्योंकि जो धर्म कार्य करता है उसको मैं पीड़ा नहीं दे सकता और न उसकी पीड़ा सहन कर सकता हूं। अगर वो धार्मिक है, और मैं सुनता हूं, मुझे मैंने देखा है, मुझे पता है कि वो बिल्कुल धार्मिक है, उसने आज तक भी एक भी अधार्मिक कार्य नहीं किया है, इसलिए उसको अगर धार्मिक कार्य कर रहा है तो उसको आपत्ति में मत डालना। योगिनी ने कहा ठीक है। योगिनी आ गई, काशी में आई और काशी में वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग रूप लेकर, कोई ज्योतिषी का रूप लेकर बन गई, कोई डॉक्टर का रूप लेकर आई, कोई अलग अलग रूप लेकर सब घूमने लगी। योगिनियां सब जगह गई और पूरे काशी में एक वर्ष तक घूमी, लेकिन एक जगह ऐसी नहीं मिली जहां अधार्मिक कार्य होता हो, जहां अनैतिक कार्य होता हो, जहां राजा की चूक होती हो। 64 योगिनियों ने सोचा ये तो बहुत मुश्किल है, इस राजा को तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो धर्म के आधार पर चलता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, न ग्रह बिगाड़ सकते हैं, न नक्षत्र बिगाड़ सकता है उसका कुछ, अब करें तो क्या करें? योगिनियों ने कहा वापस भी तो नहीं जा सकते, अगर वापस गए और भगवान को मुंह कैसे दिखाएंगे, हम क्या करके आए पूछेंगे, तो इससे अच्छा है कि हम यहीं रह जाते हैं। और योगिनियों ने पूरे काशी में वास कर लिया। भगवान ने सोचा ये तो गई सो गई, वापस आए ही नहीं, अब क्या किया जाए? तब भगवान ने सूर्य नारायण को बुलाया और सूर्यनारायण से कहा, सूर्यनारायण आप तो जानते हैं मैं धर्म का रक्षक हूं और जो धर्मशील है वही मुझे पसंद है, आप जाइए काशी में जाओ, मुझे काशी के बिना तड़पन हो रही है, आप काशी में जाकर कुछ ना कुछ ऐसा उपाय ढूंढ निकालो कि जहां कर जाकर मैं वापस काशी में रहे। सूर्यनारायण ने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा मैं जाता हूं। बोले लेकिन देखो ये ब्राह्मणों का भक्त है और जो ब्राह्मणों का भक्त होता है इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस राजा को कहीं ना कहीं उसकी चूक हो तो पकड़ना, अगर उसने कोई अधार्मिक कार्य न किया हो तो उसको पीड़ा मत देना। सूर्यनारायण ने कहा ठीक है। सूर्यनारायण यहाँ आए और सूर्यनारायण आए, सूर्यनारायण भी अपने आप को धन्यभागी समझ रहे थे,
कि आज मैं काशी में प्रवेश कर रहा हूं, मुझे काशी में ये रूप लेकर जाने का मौका मिला है। सूर्य नारायण ब्राह्मण का रूप लेकर आए, पूरे काशी में घूमे, लेकिन कोई जगह पर एक भी स्थान पर उनको अधर्म नहीं मिला। अब सूर्य नारायण भी क्या करते, अब सूर्य नारायण ने देखा, आहा, ऐसा राजा, और इस राजा को तो पीड़ा देने की कोई हिम्मत ही कैसे कर सकता है, मैं इसका क्या बिगाड़ सकता हूं, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं इसे कष्ट नहीं दे सकता, और जो धर्म का पालन करता है उसे कौन पीड़ा दे सकता है। और इस राजा के राज्य को देखकर और काशी की प्रभुति को देखकर सूर्य नारायण लोल हो उठे, और जब सूर्य नारायण लोल हो उठे तो उनका नाम हो गया लोलार्क। यही इसी रोड पर लोलार्क तीर्थ है, तो उनका नाम हो गया लोलार्क। और लोलार्क के रूप में सूर्य नारायण ने कहा, मैं वापस जाके भगवान को मुंह कैसे दिखाऊंगा, मैं भी यही निवास करना चाहता हूं। और सूर्य नारायण 12 रूप में विभक्त हो गए और काशी में 12 आदित्यों की स्थापना। अब सूर्य नारायण भी वापस नहीं आए, अब भगवान भोलेनाथ और भी व्यथित हो गए, कोई वापस ही नहीं आ रहा है, क्या किया जाए। अब भगवान भोलेनाथ ने अपने प्रथमों को बुलाया और प्रथमों को कहा, आप लोग जाइए काशी में कुछ ढूंढ निकालिए, मेरे आने की व्यवस्था कीजिए। और सबको भेजा, कुंभोधर आया, गण आए, बाकी सब जितने प्रथम थे एक एक करके सब आते गए, लेकिन आने के बाद किसी को कुछ नहीं मिला और सबके सब यहीं रह गए, कोई वापस जाने की सोच ही नहीं रहा है। सालों के साल बीत गए लेकिन कोई वापस नहीं आ रहा है। भोलेनाथ ने कहा, ये भी गए, ये भी वापस नहीं, अब क्या किया जाए। भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को बुलाया और ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी आप जाइए, लेकिन आप जानते हैं मैं धर्म रक्षकों की बहुत स्तवन करता हूं, मैं भी उनकी भक्ति की सराहना करता हूं, भक्त को पीड़ा देना नहीं चाहता, इसलिए मैं राजा को पीड़ा देना नहीं चाहता, मेरी व्यथा काशी से विरह होने की है, ये बात समझकर आप जाइए और वहां मेरे आने की व्यवस्था करिए। ब्रह्मा जी आए, ब्राह्मण का रूप लेकर आए और ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा जन्म आज सार्थक हुआ, जब मुझे हरि ने प्रकट किया था और उनकी नाभि से कमल निकला और मेरा प्रादुर्भाव हुआ, मैंने तप किया था, मुझे लगता है उस तप का प्रभाव आज मिल रहा है कि मुझे काशी के दर्शन हो रहे हैं, काशी को मैंने बनाया लेकिन काशी में निवास करने का मौका आज मुझे मिलेगा। ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी भी यहाँ आए, ब्राह्मण का रूप लेकर सीधे गए और रिपुंजय दिवोदास से जाकर मिले और दिवोदास से जाकर कहा, राजा आप बहुत बड़े सद्भागी हैं, आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं, आप यहाँ पर हैं। बोले, ब्राह्मण आप आए हैं, पहले मुझे आपकी पूजा करने दीजिए। राजा ने उन ब्राह्मण की पूजा की, अब साक्षात ब्रह्मा थे, उनको सिंहासन पर बिठाया, अलग अलग प्रकार के भोग लगाए गए, दक्षिणा का प्रावधान किया गया। ब्राह्मण ने कहा, मुझे दक्षिणा की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा जी बोलने लगे, दिवोदास मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, लेकिन मैं चाहता हूं ऐसे ही धर्म कार्य होते रहें, मेरी एक इच्छा है, तुम हो सके तो पूरी कर दो। उन्होंने कहा, क्या इच्छा है। बोले, मुझे अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा है और वो राजा कर सकता है, इसलिए यजमान तुमको बनना है, मैं इस अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित बनने के लिए तैयार हूं और मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूं। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दिवोदास ने पूरी सामग्री तैयार करवाई, जो चाहिए पूरा खजाना खोल दो, अश्वमेध यज्ञ होना चाहिए। और ब्रह्मा जी ने यहाँ पर वाराणसी में 10 अश्वमेध यज्ञ किए, इसीलिए इस घाट का नाम हुआ दशाश्वमेध घाट। 10 अश्वमेध यज्ञ किए ब्रह्मा जी ने, और इस अश्वमेध यज्ञ से जो धुआं निकला उस धुएं के कारण ये आकाश नीला हो गया, इसीलिए उसको नीलाकाश कहते हैं। ऐसा लिखता है स्कंद पुराण कि इस धुएं के कारण ये आकाश नीला हुआ है। और ये दशाश्वमेध करने के बाद भी ब्रह्मा जी ने देखा, अरे रे, ये राजा कितना तपस्वी, कितना धार्मिक, जो एक अगर मैं इच्छा करता हूं उससे पहले तो 1000 चीजें हाजिर हो जाती है, इसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। मैं भोलेनाथ का विरह समझ सकता हूं लेकिन ये राजा अधार्मिक नहीं है, मैं इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। देवता आपकी अच्छे कार्य को सहन नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप धर्म के पथ पर चल रहे हैं तो देवता भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आपको अपना धर्म नहीं छोड़ना है, अगर सुख गए धर्म से विमुख हो गए तो कह नहीं सकते। जब धर्म से चलायमान हुए, देवता राह देखकर बैठे, कब चलायमान होता है और इसको पकड़ लिया जाए, बस यही तो होता है। ब्रह्मा जी भी यहां रहे वर्षों तक, लेकिन दिवोदास की एक भी गलती उनके सामने नहीं आई। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं भी तो वापस नहीं जा सकता, और ब्रह्मा जी भी काशी में निवास करने लगे, ब्रह्मा जी भी रह गए, अब तो कोई वापस ही नहीं आ रहा है, अब क्या किया जाए। तब भगवान शिव जी ने सोचा, अब मैं ऐसा करता हूं, अपने ही बेटे गणेश को भेजता हूं।
और गणेश जी को बुलाया, आज ही तो गणेश जी का जन्म हुआ, कथा में सुबह ही तो गणेश जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान ने गणेश जी को बुलवाया और गणेश जी के कहा, गणेश तुमको एक बहुत बड़ा कार्य सौंपना है। गणेश ने कहा, कहिए पिताजी क्या कार्य है। बोले, कार्य ऐसा है कि तुम काशी में जाओ, मुझे काशी के बिना यहाँ चैन नहीं है, मैं व्यथित हूँ, काशी का विरह मुझसे सहन नहीं होता, तुम जाओ, मुझे काशी जाना है, जाकर इस राजा को कैसे भी करके उसकी या तो कोई गलती ढूंढ निकालो, या तो इस राजा का शासन समाप्त हो जाए ऐसा कुछ करो, या तो इस राजा को कुछ समझाओ, लेकिन मुझे काशी वापस ले जाओ। अगर बेटा बाप की इच्छा पूरी न कर सके तो वो बेटा क्या है। मैं चाहता हूं कि तुम जाओ और तुम्हारे जाने से सारी व्यवस्था हो। अब गणपति ने देखा, भोलेनाथ मेरे ऊपर तो इतना बड़ा भार डाल लिया। अब गणपति चूहे पर सवार हो गए और मूषक को लेकर निकल पड़े। गणपति भी सोचने लगे, मेरा धन भाग्य है कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी आई है। यहां पर आए, गणपति ने ज्योतिषी का वेश बनाया। ज्योतिषी का वेश बनाकर गणपति भी वाराणसी में घूमने लगे। काशी की गलियों में जाते, किसी स्त्री के पास बैठते और कहते, मैया तेरा तो भाग्य बड़ा सुंदर है, कल तेरा बेटा यहाँ आएगा और बहुत सारा धन लेकर आएगा। और ऐसा ही होता, दूसरे दिन उसका बेटा बहुत धन लेकर आता। किसी के पास जाते और कहते, तुम्हारा पति कुमार्ग पर है, लेकिन दो दिन के बाद इस तिथि को तुम्हारा पति सुमार्ग पर आ जाएगा। और ऐसा ही होता। अब साक्षात गणपति जिसका जोश देखे, ज्योतिष देखे, उसका क्या कहना। हर एक के पास जाते, कोई स्त्री के पास, पुरुष के पास, और किसी के पास, नौकरों के पास, चाकरों के पास, सेवकों के पास, हर एक के पास जाते और उनको कुछ न कुछ बताते, और जो बताते वो हो जाता है। अब गणपति की बहुत बड़ी प्रशंसा होने लगी, ऐसा कोई ब्राह्मण आया है, बहुत सुंदर ज्योतिषी है, मुंह देखकर बता देता है, हाथ देखकर बता देता है, अरे तुम्हारा नाम पूछकर बता सकता है। अब ये बात सबके पास से घूमती घूमती दासियों के पास पहुंची। अब दासियां भी पहुंच गई राजा की, और उन्होंने कहा, महाराज हमारा भी हाथ देख दीजिए। गणपति ने उनका हाथ देखा और कहा, तुमने राजा की दासी हो। बोले, हम राजा की दासी है, कल देखना रानी है ना, वो तुमको हार देने वाली है। और दूसरे दिन उसको हार मिल गया, उसको तो बहुत बड़ी श्रद्धा हो गई। अब जब ऐसी श्रद्धा निर्माण हो गई कि ये ज्योतिषी बहुत सुंदर है, तो सारी की सारी दासियां रानियों के पास जाकर कहने लगी, महारानी सुलक्षणा, हमने देखा है हमारे गांव में एक ज्योतिषी आया है, काशी में ऐसा ज्योतिषी आया है, जो बोलता है सही हो जाता है, जो बोलता है सही होता है। अब रानी ने कहा, तो ऐसे ज्योतिषी को मुझे भी मिलना पड़ेगा। अब उसने राजा से आग्रह किया और राजा से कहा, मैंने सुना है एक ज्योतिषी आया है, आप उसको बुलवाइए और हमें उससे कुछ दिखाइए, क्या होगा इस राज्य का, क्या होगा हमारा, हमारे संतानों का, हमारा भविष्य, इस प्रजा का, कुछ पूछिए उससे। ऐसे ज्योतिषी का लाभ लेना चाहिए, भले व्यक्तिगत मत लो, लेकिन लाभ तो लेना चाहिए। राजा ने कहा, मैंने भी तो सुना है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। बोले, आप बुलवाइए तो सही। राजा ने लाव लश्कर भेजा और सबसे प्रार्थना की गई और उनसे कहा, मंत्रीवर गए और मंत्रीवर ने प्रार्थना की गणपति से, महाराज महाराज का आमंत्रण है और हमारे राजा दिवोदास ने आपको याद किया है, दिवोदास ने कहा है कि आपको ससम्मान राज्य में लाया जाए और आपको महाराज के यहाँ आना है। गणपति तो राह ही देख रहे हैं कि कब बुला रहे हैं, और गणपति जी पहुंच गए, गए राजमहल में, बहुत उनकी सरबराह की गई, उनको बिठाया गया, पूजन किया गया। राजा ने कहा, आइए आप पधारे, मेरा तो आपके यहाँ पांव पड़ने से ही, आपके चरण यहाँ पड़े और मेरा महल पवित्र हो गया, आप आए मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। गणपति ने पूछा, महाराज कैसे हैं, क्या चल रहा है, कुछ बताइए अपने बारे में। और महाराज दिवोदास ने कहा, ब्राह्मणों की जब तक मेरे ऊपर कृपा है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, देवताओं ने मेरे ऊपर पहले भी बहुत प्रयास किए, क्या प्रयास किए, मेरे यहाँ इंद्र ने बारिश बंद कर दी, और इंद्र ने जब बारिश बंद कर दी तब मैं भगवान का पुजारी होने के नाते मेरे तप के बल से मैंने स्वयं बारिश बनकर, इंद्र बनकर सब लोगों को बारिश पहुंचाई। अरे अग्नि ने मेरे राज्य में अग्नि का अग्निपना खींच लिया, पूरे राज्य में कहीं अग्नि नहीं था, भोजनशालाएं सुन्न पड़ी थी, तब मैं स्वयं अग्नि बना और पूरे राज्य को अग्नि मैंने प्रदीप्त किया। महाराज देवता भी मुझे कष्ट तो देते हैं, लेकिन क्या करूं, मैंने देवताओं का बहुत बड़ा तप किया, लेकिन देवताओं का स्वभाव ही ऐसा है, मैं करूं तो भी क्या करूं, लेकिन अब मेरा मन भर गया है, 80,000 वर्ष से मैं राज्य कर रहा हूं, अब मेरी इच्छा है मैं इस राज्य का त्याग कर दूं। बस गणपति तो यही देख रहे थे कब त्याग करते हो। बोले, मेरी इच्छा है मैं इस राज्य का त्याग कर दूं, मेरी इच्छा है कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान की भक्ति करनी है और अपना जो अंत समय है वो भगवान के चरणों में व्यतीत करना है।
मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, अब मुझे राज्य करने की भी अपेक्षा नहीं है, ना मुझे कोई लालसा है, बस मैं विरक्त होना चाहता हूं। आप मेरा मार्गदर्शन करिए, क्या मेरे जीवन में ऐसा योग है? गणपति ने कहा बिल्कुल योग है, तुम्हारे जीवन में ऐसा योग है, लेकिन मैं पूरी बात आपको नहीं बता सकता। बोले क्यों? बोले उसके भी कुछ नियम होते हैं, मैं पूरी बात आपको नहीं बता सकता, लेकिन आपको एक बात बता देता हूं। बोले क्या? बोले आज से 17 दिन बीत जाने दो, 18वां दिन उगेगा और 18वें दिन एक ब्राह्मण तुम्हारे यहां आएगा और वो ब्राह्मण जो तुमको बताएगा वही होगा। इतना कहकर गणपति निकल गए। अब राजा ने सोचा क्या मालूम 18वें दिन क्या होने वाला है, राजा की नींद उड़ गई। अब 18 दिन कैसे बिताए? जैसे वैसे करके राजा ने अपने दान पुण्य के खजाने खोल दिए और कहा शायद 18वें दिन मौत ना आ जाए। 17 दिन बच गए। इंतजार करते करते 18वां दिन हुआ, राजा स्वयं खड़े हुए, भगवान को प्रणाम किया, पूजन किया, भक्ति की, भगवान के मंदिर में गए, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु जो ज्योतिषी ने कहा है शायद आज कोई आएगा, लेकिन क्या होगा मुझे पता नहीं है, आप ही इस प्रजा का रक्षण करें, ऐसी प्रार्थना की। इस तरफ क्या हुआ? भगवान भोलेनाथ ने कहा गणपति अब तक वापस नहीं आए, क्या करें? तो भगवान भोलेनाथ ने विष्णु को बुलाया, आप जाओ। और भगवान विष्णु वहां से ब्राह्मण का रूप लेकर 18वें दिन काशी में प्रवेश करने के लिए उद्यत। जो गणपति ने कहा था कि 18वें दिन ब्राह्मण आएगा, वो साक्षात विष्णु ही ब्राह्मण बनकर आए और विष्णु ब्राह्मण बनकर काशी में प्रवेश किया और भगवान ने पंच नद के आगे आकर अपने पांवों को पखारा, भगवान ने स्नान किया और वहां पर भगवान की आज भी पूजा होती है पंच नद। खैर भगवान विष्णु यहाँ पर आए, भगवान विष्णु अंदर आए, सीधे राजा के महल में गए। राजा तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे, राजा ने कहा यही है, शायद यही लगता है जो ज्योतिषी ने कहा था, शायद यही ब्राह्मण है। उनके चरणों में राजा गिर गए, उनको बिठाया, पूजन किया, महाराज को प्रणाम कर कर राजा ने कहा कहिए मेरे लिए क्या आदेश है, मैं आपकी ही तो प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान विष्णु कहने लगे राजा तुम बड़े ही भाग्यशाली हो, तुमने इतने वर्षों तक राज्य किया लेकिन एक भी तुम्हारे विरुद्ध में कोई फरियाद, अरे किसी को दुख तक नहीं पहुंचा है, तुम्हारी प्रजा बहुत शांत है और आज भी तुम्हारे गुणगान करती है, एक भी व्यक्ति ने तुम्हारा गुणगान न किया हो ऐसा नहीं है, ऐसे राजा बार बार नहीं होते, तुम धन्य हो। लेकिन राजा हर एक की मर्यादा होती है, हर एक की सीमा होती है, भोग कहां तक भोगोगे, कभी ना कभी तो जाना है, बस ये समय आ गया है, तुम्हारे मन में विरक्ति की भावना हुई है और हम चाहते हैं कि तुम विरक्त हो जाओ और इसीलिए तुम्हारी विरक्ति की जो भावना हुई है उसी को हम बल देने के लिए आए हैं, बस तुम्हारा समय पूरा हुआ है, भगवान की भक्ति में मग्न हो जाओ। राजा ने अपने पुत्र को राजा बनाया, स्वयं गए और गंगा के तट पर बैठ गए, भगवान विष्णु उनके सामने बैठे, यज्ञ किया, भगवान की प्रार्थना की, राजा को ध्यान और योग सिखाया भगवान विष्णु ने और राजा योग में रहकर वहीं पर अपने शरीर में से उन्होंने देह को त्याग दिया और राजा वहां से चल बसे। जब राजा का शरीर से भगवान के अंदर ब्रह्ममय हो गया, स्वयं राजा की मुक्ति हुई काशी में, और राजा की जब मुक्ति हुई तब भगवान शंकर के लिए यहाँ आने का मार्ग प्रशस्त हुआ। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा इस राजा ने ऐसा तप किया था और इसके वरदान के कारण मुझे यहाँ से बाहर रहना पड़ा, आज मैं काशी को प्राप्त करूंगा। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और भगवान भोलेनाथ फिर वहां से मंदराचल से चलकर वाराणसी में काशी में आए और काशी में फिर से भगवान बसे, तब उनको शांति हुई। यही तो काशी की महिमा है। भगवान भोलेनाथ भी उसका विरह सहन नहीं करते। काशी धन्यतमा विमुक्त नगरी सालंकृता गंगया। एक मिनट कीर्तन करके आगे प्रसंग का अनुसंधान करूंगा।